हेलो देयर एवरीवन, वेलकम टू सबरोज किचन। चलिए आज बनाते हैं आटा जो बच जाता है घर में उसी से देसी टाकोस। बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस बनते हैं, बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं। जब भी आपके घर में आटा बच जाए या फिर अलग से आटा गूंथ कर, ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फटाफट से इस रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए स्टफिंग प्रिपेयर कर लेंगे। तो स्टफिंग प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल डाल लिया है, तो करीब छोटे 3 चम्मच डाल लेने हैं हमें ऑयल। ज़्यादा ऑयल का यूज़ हम यहाँ नहीं करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कट की हुई 2 मीडियम साइज़ की प्याज। तो इस तरीके से प्याज को छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और प्याज को बस थोड़ा सा चला लेंगे, हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो तब तक इसका कलर हम चेंज नहीं करेंगे। तो थोड़ी ही देर इसी तरीके से हमें मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में इसको चला लेना है। तो बस 2 मिनट मैंने इसे चला लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कैप्सिकम छोटे टुकड़ों में कट की हुई। तो कैप्सिकम को भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और सौते कर लेंगे प्याज के साथ ही। तो 2 ही मिनट चलाएंगे ताकि इसका कच्चा फ्लेवर चला जाए और हल्की सी नरम भी हो जाए। तो इसी तरीके से इसको चलाने के बाद अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ये पक चुके हैं। ज़्यादा कलर हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अभी बाकी मसाले भी पड़ने बाकी है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ उबले हुए आलू। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल के मैश कर लिया है और इन आलू को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसके अलावा आप चाहे कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे पत्ता गोभी ले लें, गाजर ले लें, बीन्स ले लें, मटर ले लें, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उसी से आप ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास कैप्सिकम नहीं है तो घर में जो दूसरी हरी मिर्ची हो उसके भी छोटे टुकड़े कट करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो आलू को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब डाल देते हैं कुछ मसाले। तो मसालों में यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है, 2 से 3 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, इसकी जगह आप कुटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसके बाद 1 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। और इसी के साथ ही यहाँ पे मैंने जो मैगी का टेस्ट मेकर होता है वो ले लिया है ताकि इसका टेस्ट और भी एनहेंस हो जाए। तो इसका भी 1 पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। इसके अलावा आप कोई भी मसाले इसमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो पिज्ज़ा सॉस, पिज्ज़ा सीजनिंग्स भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है। नमक कम डालेंगे क्योंकि जो टेस्ट मेकर है उसमें भी नमक रहता है। तो बस इन सारी चीज़ों को अब हमें मिक्स कर लेना है बिल्कुल ही लो फ्लेम पर। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच शेजवान चटनी। तो ये घर की ही बनी हुई मैंने शेजवान चटनी प्रिपेयर करके रखी थी, तो ये 2 चम्मच मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने मोमोज वाली रेसिपी में डाली हुई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये चटनी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इस स्टफिंग के साथ। इस चटनी से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। आप चाहे तो रेडीमेड शेजवान सॉस या शेजवान चटनी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि उसके कोई भी बड़े चंक्स ना रहें। इस तरीके से हमें इसे मैश करते जाना है। तो बस अब सारी चीज़ें तो मैंने मिला ली है, अब लास्ट में इसमें डालेंगे हम टमाटर। तो जो भी आपके घर में वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। तो टमाटर के मैंने बीज निकाल लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को लास्ट में डालेंगे क्योंकि टमाटर को हमें पकाना नहीं है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो अब सारी चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, क्योंकि ये स्टफिंग जो है गर्म है तो टमाटर भी हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे। और बस अब हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आटा मैंने दोपहर को रोटी बनाई थी, तो अभी रात को आटा जो है बचा हुआ था और बच्चों को खाना था कुछ और, तो रोटियाँ तो मैं बनाऊँगी ही, साथ में ये टाकोस भी हम बना लेंगे इसी आटे से। तो फ्रेंड्स नॉर्मली जैसा आप रोटी का आटा लगाते हैं घर में बस वैसा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखते होंगे कि आपने फ्रिज में आटा रखा है तो आटा कई बार गीला गीला पानी पानी हो जाता है। तो आटे को निकालने के बाद ढक्कन को उल्टा करके रखिए, 1/2 घंटा रोटी बनाने से पहले आटे को बाहर निकाल के रखिए, तो आटे में गीलापन नहीं होगा, पानी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आटा जो है, चलिए अब हम इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ जो है वो कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें ढक्कन उल्टा करके रख देना है क्योंकि ऊपर ढक्कन में भी पानी रहता है तो वो आटे में चला जाएगा, फिर आटा गीला गीला चिपचिपा सा हो जाएगा
और इस तरीके से निकाल के रखेंगे तो आटा जो वो चिपचिपा नहीं होगा, और आटे को हमेशा कवर करके रखें फ्रिज में, इससे वजह से भी पानी जो है वो इसमें नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप, आटा बिल्कुल ही ड्राई है, ऊपर से कहीं पे भी चिपचिपा नहीं लग रहा है। तो अब इसमें से हम पूरी की साइज़ की छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ लेंगे, छोटे छोटे बॉल्स तोड़ लेंगे, जितने टैकोस की आप साइज़ रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें से बॉल्स जो है वो हमें कट कर लेनी है, रेडी करके अलग रख देनी है। तो यहाँ पर मैं करीब 9 टैकोस बना रही हूँ और बाकी का आटा है जो उसमें से मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो इस आटे को मैं अलग से रख ले रही हूँ और जो टैकोस हमें बनाने हैं, चलिए उसको बेल लेते हैं। तो यहाँ पे सरफेस पर हम थोड़ा सा डस्टिंग कर लेंगे सूखे आटे की, और एक पूरी की साइज़ की रोटी हमें बेलकर रेडी कर लेनी है। तो रोटी बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे हम, हल्की सी थिक ही रखेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे बेल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी ही बेल कर रेडी कर ली है और रोटी भी बनाकर साइड में रख ली है। तो जो आटा बचा था उसकी मैंने रोटियाँ बना ली है और बच्चों के लिए टैकोस प्रिपेयर कर लेंगे, साथ में हम भी इंजॉय करेंगे। तो बस इसी तरीके से आप भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तवा तो है गरम ही, गैस पर ही पड़ा है। तो इस तरीके से हम जो रोटी हमने रेडी की है टैकोस बनाने के लिए, उसको इस तरीके से हल्का सा सेक लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि इस पर बहुत ज़्यादा स्पॉट्स पड़ जाए, कच्ची पक्की सेक लेनी है हमें इसे। तो इस तरीके से देखिए हमें इसको सेक लेना है ताकि अच्छे से जो शीट होती है, जिस तरह स्प्रिंग रोल की शीट वगैरह होती है ना, वैसे ही बिल्कुल हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसको सेक ले रही हूँ दोनों ही साइड से। आप देख सकते हैं मैं इसको ज़्यादा पका नहीं रही हूँ, बस हल्के हल्के से वाइट स्पॉट ऊपर बन रहे हैं, इतनी ही देर हमें इसे सेक लेना है। तो बस इसी तरीके से जो सारी जो पूरी जितनी रोटी हमने बेली है टैकोस बनाने के लिए, उनको हम रोस्ट कर लेंगे, यानी कि सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी ही रोटी जो है वो मैंने सेक ली है, आप देख सकते हैं इस तरीके से अंदर के पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा सेका है, हल्का सा ज़्यादा, और बाहर के पार्ट को कम सेका है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है मेयोनीज करीब 2 चम्मच, और इस मेयोनीज में अब हम डाल देंगे टमेटो सॉस। तो फ्रेंड्स, अगर मेयोनीज घर में अवेलेबल नहीं है तो सिंपली टमेटो सॉस से भी आप ये इसके स्प्रेड बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं, या फिर लाल चटनी डाल सकते हैं, ग्रीन चटनी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप इस पर एक स्प्रेड रेडी कर सकते हैं। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है अच्छे से। आप चाहे तो इसमें रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस पर स्प्रेड लगा कर हम टैकोस रेडी करते हैं। तो टैको मैंने एक ले लिया है और इस पर स्प्रेड लगा लेंगे हम अच्छे से, इस तरीके से हमें स्प्रेड कर लेना है। इस वक्त आप चाहे तो इस पर ग्रीन चटनी भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही यमी लगती है। और इसके बाद जो स्टफिंग है वो टोटली ठंडी हो चुकी है, बिल्कुल ही ठंडी हो चुकी है। तो अब स्टफिंग भी जो हम इसमें भर लेंगे, तो स्टफिंग की अच्छी क्वांटिटी रखेंगे हम। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें स्टफिंग डाल लेनी है इसमें। तो आधा पार्ट खाली रखेंगे और आधे पार्ट में हम स्टफिंग को स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से मैं स्टफिंग जो है वो स्प्रेड कर ले रही हूँ। और इसके बाद ना फ्रेंड्स, इस पे मैं डाल रही हूँ चीज़। तो ये मोज़रेला चीज़ है, मेरे घर में पड़ी हुई थी। आप चाहे तो प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं, या फिर जो भी आपको पसंद हो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसको इस तरीके से प्रेस करके हम रख लेंगे। तो बस इसी तरीके से सारे टैकोस जो है वो हमें रेडी कर लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे टैकोस जो है वो रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं शैलो फ्राई। तो शैलो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, और पैन में डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, बस इतना ही कि अच्छे से फ्राई हो सके, शैलो फ्राई हो सके। तो बस ऑयल को इस तरीके से फैला लेंगे। तो ऑयल इतना ही डालेंगे कि सिर्फ रोटी जो है वो ऑयल में रहे, स्टफिंग तक ऑयल ना जाए, बस इतना ख्याल रखिएगा। तो ये टैकोस जो है हमने प्रिपेयर किए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसको दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक हमें फ्राई कर लेना है। ज़्यादा देर नहीं लगती है इसको फ्राई होने में। ये देखिए बढ़िया सा इसमें कलर आ चुका है। तो अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी हमें इसे डार्क कर लेना है हल्के से स्पॉट्स आने तक। और उसके बाद जो ये सेंटर पार्ट है उसको इस तरीके से आप थोड़ी देर पकड़ के रखिए, और थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये टिक जाएगा, मतलब कि रह जाएगा इसी तरीके से। तो इसको इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे इस पार्ट को। ये देखिए दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हल्का सा उसको बीच में से हम प्रेस देंगे ना, दबाएंगे, तो ये टिक जाएगा इस तरीके से, है ना फ्रेंड्स। तो बस इसी तरीके से हमें सारे जो टैकोस है उनको फ्राई कर लेना है, शैलो फ्राई कर लेना है।
मीडियम फ्लेम पर, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मैं सारे टैकोस जो है वो रेडी कर ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे ही जो टैकोस है वो रेडी कर लिए हैं। है ना, बनाने में बहुत ही आसान और बड़ी ही मज़े की रेसिपी है। जब भी आपके घर में आटा बच गया हो या फिर अलग से भी आप आटा गूंथ कर ये रेसिपी बना सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आती है ये रेसिपी। तो मेरी बेटी भी बहुत ही खुश हो गई इस रेसिपी को देखकर कि हाँ, उसे सब्जी रोटी नहीं खानी पड़ेगी लेकिन टैकोस खाने पड़ेंगे। वैसे देखने जाओ तो है तो ये सब्जी रोटी ही, लेकिन कुछ यूनिकनेस अगर हम अपने बच्चों को बनाकर देते हैं तो उनको भी मज़ा आता है चीज़ें खाने में, और इस तरीके से हम उन्हें चीज़ें खिला भी आसानी से सकते हैं। तो ये देखिए, एक बढ़िया सा चीज़ पुल भी हमें मिल जाता है चीज़ डालने की वजह से, जिसको बच्चे देखकर बहुत ही ललचाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ गई हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं फ्रेंड्स तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और स्क्रीन पर जो रेसिपीज आ रही है वो भी ज़रूर से देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।